नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों, अगर आप लोग पेटीएम यूजर और खासकर रिटेलर जो कि पेटीएम के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, पेटीएम के थ्रू आजकल धोखाधड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मार्केट में एक पेटीएम का स्पूफ एप्लीकेशन आया जिसके थ्रू बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम आप लोग को लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कैसे आप लोग के साथ ये धोखाधड़ी किया जा रहा है। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, साथ ही ये भी आप लोग को बताएंगे कैसे आप लोग इस धोखाधड़ी से बच सकते हो। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की दुकानदार को स्पूफ एप्लीकेशन के थ्रू पेटीएम एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट करती है और वहां पे पेमेंट सक्सेसफुल भी होता है। और बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्पूफ एप्लीकेशन है, क्योंकि जो लास्ट वाला सेशन होता है जहां पे पेमेंट सक्सेसफुल होता है, जैसे पेटीएम में सक्सेसफुल होता है, वही सेम हूबहू वहां पे मिलेगा जब पेमेंट स्पूफ एप्लीकेशन के थ्रू भी। तो आप लोग को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं मिल पाएगा कि ये नकली है या फिर असली। करीब एक हफ्ते पहले मैंने भी इस वीडियो को फेसबुक पे देखा था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरी बार कल फिर मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भाई सजग रहने की जरूरत है, एक वीडियो इसके ऊपर प्रॉपर बना दिया जाए। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग के साथ जालसाजी की जाए। देखिए, पेटीएम स्पूफ करके एक एप्लीकेशन है, ये हालांकि प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन इसका एक एपीके आता है। जितने भी इस तरीके के फ्रॉड एप्लीकेशन होते हैं वो प्ले स्टोर पे हालांकि नहीं होते, लेकिन एपीके होता है, तो वहाँ पे वेबसाइट के थ्रू जाकर लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और मैंने भी डाउनलोड किया, हालांकि डाउनलोड करना भी खतरे से खाली नहीं होता, सिर्फ मैंने आप लोग को बताने के लिए ही डाउनलोड किया। इसके बाद मैं तुरंत इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। साथ ही मैं आप लोग को एक वार्निंग भी देना चाहूँगा कि अगर आप लोग को नहीं पता भाई, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग ऐसा करने जा रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। किसी के साथ धोखाधड़ी 200-400 रुपए के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सोचो कि वो बंदा कितना मेहनत करके कमा रहा है, तो आप लोग 200-400 रुपए यार फिर क्या धोखाधड़ी करो। तो आप लोग स्क्रीन पे भी देखिए, यहाँ पे एक पेटीएम स्पूफ करके ये एपीके मैंने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन। इसके बाद इसको आप लोग को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या डालना है, सिर्फ आपको रिटेलर का नेम पता करना है, और ये रिटेलर का नेम स्कैन करके भी पता, अगर सबसे पहले तो पूछते हैं रिटेलर से, अगर आप नहीं बताते हो तो यहाँ पे वो सचमुच का जो पेटीएम एप्लीकेशन है वहाँ पे स्कैन करके, जैसे स्कैन होता है वहाँ पे रिटेलर का नाम आ जाता है। इसके बाद उसको इसमें फिलअप कर देते हैं, देन फ़ोन नंबर फिलअप करने के बाद अमाउंट फिल करते हैं, इसके बाद तुरंत पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने रिटेलर का नेम अपना ही पेटीएम अकाउंट का सब कुछ एंटर कर दिया है। रिटेलर नेम, इसके साथ ही फ़ोन नंबर, इसके साथ ही अमाउंट, इसके साथ ही यहाँ पे टाइम और डेट भी मैनेज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग उसी समय का टाइम और डेट भी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद फिर आप लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अमाउंट फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करते हो, यहाँ पे देखिए सेम जैसे पेटीएम में पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वाला पेज आता है, वही सेम पेज यहाँ पे भी आ गया। आपको बिल्कुल ही इस दोनों का अंतर ही नहीं मालूम होगा कि ये नकली है या फिर असली। यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेसफुल का टिक आ गया, इसके साथ ही 200 रुपया पेमेंट हो गया, सेंड सक्सेसफुल प्रवीण कुमार, इसके साथ ही मोबाइल नंबर दिया गया है, टाइम एंड डेट दिया गया है, साथ ही ट्रांजेक्शन ID भी यहाँ पर जनरेट की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे नीचे सब कुछ जैसे पेटीएम में बनता है उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है। तो इससे हम एक बार अंदाज़ा ही नहीं, मतलब अगर कोई जल्दी में आपको ऐसे दिखाया आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये चीज़ें आजकल बहुत ही तेज़ी से चल रही हैं, लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे सिंपल उपाय यही है कि आप लोग को अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट में जाना है, वहाँ पर पेमेंट रिसीव का जो वॉइस असिस्टेंट होता है उसको आप लोग को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद क्या होगा कि जब वो पेमेंट करेगा तो वहाँ पे वॉइस असिस्टेंट के थ्रू 200 रुपये या फिर जितना भी अमाउंट वो पेमेंट कर रहा है उतना रुपये रिसीव्ड तुरंत बोलेगा मोबाइल से। या फिर अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हो तो वहाँ पे पेटीएम के द्वारा एक वॉइस असिस्टेंट बॉक्स भी प्रोवाइड किया था, उसको आप लोग ले लीजिए, और जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल का वॉइस मैसेज सुनाई न दे तब तक आप लोग उस बंदे को अपने दुकान से जाने न दीजिए। या फिर इसका एक तरीका और है, तुरंत आप लोग अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट में जाकर अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे जो रिटेलर होते हैं, जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले, पान वाले, वहां पे उनको मोबाइल चलाना आता ही नहीं, पेटीएम चलाना आता ही नहीं, तो वहां पे वो पेटीएम बिजनेस अकाउंट में जाकर स्टेटमेंट चेक नहीं कर पाते, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। यह आमतौर पर छोटे दुकानदारों के साथ ही ये धोखाधड़ी की जा रही है। तो इसीलिए मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए यही रहेगा कि जब तक भाई साउंड बॉक्स आप ले लो या फिर अपने मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट आप लोग ऑन कर लो, जब तक वहां पे मैसेज सुनाई न दे कि
कि आप लोग को इतना अमाउंट का पेमेंट रिसीव हो गया, तब तक आप लोग उसको जाने बिल्कुल मत देना। वहाँ पर आप लोग को बोल भी सकते हैं कि भाई नेटवर्क इशू है, बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है, आपको चेक कर लेना चाहिए 2-3 घंटे बाद। लेकिन आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना है जब तक आपका वॉइस असिस्टेंट या फिर जो साउंड बॉक्स होता है वो आपको मैसेज सुनाई ना दे कि इतना रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ है, तभी आप लोग इससे बच सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा ही। बहुत ही तेज़ी से ये धोखाधड़ी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दिया जाए, आप लोग को सचेत कर दिया जाए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, पसंद तो बिल्कुल डेफिनेटली आई होगी, बहुत ही बड़ी जानकारी मैंने आप लोग को दी। अगर अभी तक नहीं पता तो आप लोग को पता चली गई होगी। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स का सर्कुलेट जरूर कर देना है, शेयर जरूर कर देना है, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप, हर जगह आप लोग को शेयर करके जानकारी सभी लोगों तक पहुँचानी है। क्योंकि भाई सभी लोग 2-4 पैसे कमाने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो किसी के साथ ये धोखाधड़ी ना हो पाए। और इसी तरह की बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।